हे एवरीवन, वेलकम टू दी फुयाज रेसिपी। दी फुयाज रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आज लेके आई हूँ सीख कॉर्न की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉईल करना होगा कॉर्न को। हमने यहाँ पे दो भुट्टा लिया है और हम उसे बॉईल करेंगे। तो इसे हम कुकर में डाल देते हैं। 4 से 5 सीटी विसिल होने तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो हमने इसे कुकर में डालकर एक बाउल पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और इसे 4 से 5 सीटी होने तक बॉयल कर लेंगे। देखिए हमारा कॉर्न बॉयल हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसे टूथपिक से मेजर करके कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें मेजर करना है और हम इसे कट करेंगे नाइफ के हेल्प से। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें रख के कट करना है। हमने इसे फर्स्ट मेजर करके कट कर लिया है। सेकंड भी हम सेम डायमेंशन से मेजर करके कट करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें कट करना है और ये दूसरा भी हमने कट कर लिया। अब हम इसे बीच से कट कर देंगे ताकि हमें टूथपिक इंसर्ट करने में आसानी हो। इस तरह से हम कट कर लेंगे और बिल्कुल मिडिल से हम टूथपिक इंसर्ट करेंगे, ना ही बिल्कुल नीचे और ना ही बिल्कुल ऊपर से, और हल्का दोनों एंड से प्रेशर लगा के इसे निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें निकालना है। ये इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से निकल जाएगा। ऐसा टूथपिक में इंसर्ट होना चाहिए। बाकी सब भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से निकलेगा। ये हमने सारे टूथपिक को निकाल लिया है कॉर्न में इंसर्ट करके। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने इसे बॉल में रख लिया है और फिर हम इस पर कॉर्न फ्लावर 2 टेबलस्पून डालेंगे। कॉर्न फ्लावर के बाद हम राइस फ्लावर 2 टेबलस्पून इस पर डालेंगे। अच्छे से डालने के बाद फिर हम चिली पाउडर 1 टीस्पून इस पर अच्छे से डालेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम डाल देंगे। और फिर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें सॉल्ट भी डालना है। और लास्ट में हम इस पर ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून स्प्रिंकल करेंगे और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कोट होने तक मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसे कोट करना है और फिर हम इस पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ताकि हमारा सारा कॉर्न स्टिक अच्छे से कोट हो जाए। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और पूरा अच्छा से कोट करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें कोट करते रहना है। हल्का हल्का बिल्कुल मिलाते रहेंगे ताकि सारे कॉर्न स्टिक पे अच्छे से मैरिनेट हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम मिक्स करेंगे, कोटिंग अच्छे से आ जाए सारे कॉर्न स्टिक्स पे। ये हमारा सारा कॉर्न स्टिक अच्छे से कोट हो गया। अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है और हम फ्राई पैन में ऑयल गरम कर रहे हैं इसे फ्राई करने के लिए। देखिए ये हमारा अच्छे से सेटल हो गया कोटिंग। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम एक एक करके सारे कॉर्न स्टिक पैन में डालते चले जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना टूटने का डर रहेगा, तो एक एक करके हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है, हल्का फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये स्टिक को हमने पहले वाटर में सोक कर लिया है, भिगो कर रख लिया था कुछ देर के लिए, ताकि अब ये ना ही बर्न होगा और ना ही ज़्यादा हीट होगा, तो होल्ड करने में काफ़ी आसानी होगी। हम लोग अच्छे से होल्ड करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये बॉयल होने लग गया है। एक एक करके सारे स्टिक कॉर्न्स हम इसमें डालते चले जाएंगे। देखिए इसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा रंग इस पर आ रहा है गोल्डन ब्राउन का।
बहुत डीप फ्राई नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा, तो हल्का फ्राई कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक, और अच्छे से स्टिर करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये हमारा रंग पूरी तरह चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे अच्छे से छान कर निकाल लेंगे और प्लेट पे डाल देंगे। देखिए बिल्कुल एक्सेसिव ऑयल को हम हटा देंगे और प्लेट पे डाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सोख हो जाए टिश्यू पेपर पे। देखिए बिल्कुल इस तरह से छान के हमें निकालना है ताकि कोई भी एक्सेस ऑयल ना रहे इसमें, सारा टिश्यू पेपर पे सोख हो जाए जो भी बच गया है ऑयल इस पर, सारा इसी तरह से हम निकाल के प्लेट पे रख लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से हम निकालते रहेंगे और सारा निकाल के हम प्लेट पे रख लेंगे अच्छे से। बिल्कुल इस तरह से सारे एक्सेस ऑयल हमें हटा देना है। देखिए भी हमने सारा कॉर्न स्टिक को निकाल के प्लेट में अच्छे से रख लिया है, इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें रखना है और अब हम इस पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर लेमन जो हमने कटा हुआ रखा है वो अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे चारों तरफ। देखिए बिल्कुल इस तरह से स्प्रिंकल करना है हमें लेमन को। अब हमें जो ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखा है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। तो हमने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला, जिंजर पाउडर, आमचूर पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सेक करेंगे ताकि ये सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और लास्ट में हल्का सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है कोटिंग में। तो यहाँ हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से सेक कर लेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी है जो हमें इस पर इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। अब चारों तरफ अच्छे से हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारा सीख कॉर्न बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीव से। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसे गार्निशिंग करना है, इस तरह से हम इसे गार्निश कर देंगे और ये हमारा सीख कॉर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बताइए ये कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।